अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फीवल्स, मैं हूं आपका होस्ट हमजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमजा अकेडमी। आज की वीडियो है, फिर से हम क्योटेक्स पे ही अपनी लाइव ट्रेड करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। अगर अभी तक आपने क्योटेक्स ज्वाइन नहीं किया, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको इस तरह से लिंक मिल जाएगा, यहाँ से क्योटेक्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, मेरे लिंक से ज्वाइन करने का फायदा ये होगा, अगर इन फ्यूचर आपके अकाउंट के साथ कोई भी इशू वगैरह आता है तो वो मैं आपको रिजॉल्व करवा के दूंगा। डिपॉजिट विड्रॉ का मसला कुछ भी आता है, अगर आपको डॉलर बाय एंड सेल करने हुए वो भी फिर मैं कर सकता हूँ। ठीक है जी, अभी जो है अपना क्योटेक्स का प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं। ओके गाइस, तो मैं अपने क्योटेक्स के प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूँ, तो 35 की हो गई यहाँ पे मेरी ट्रेड। तो यहाँ पे जरा देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। ओके, पिछले कुछ एक घंटे से ट्रेंड डाउन का है, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ तो एक घंटे से नहीं, हमारा मेजर ट्रेंड ही वो जो डाउन का जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डाउन की ट्रेड पकड़ना हमारे लिए काफ़ी अच्छा साइन हो सकता है। तो यहाँ पे एक होल नंबर भी है 800 करके, स्ट्रोंग जो है जो कैंडल है वो इसका ब्रेकआउट दे रही थी, लेकिन सडनली यहाँ से हमें रिजेक्शन मिली है। तो यहाँ से मैं आपकी ट्रेड प्लेस करूँगा यार, हालांकि डाउन का मोमेंटम है, यहाँ पे आपकी ट्रेड दूसरी होगी। मैं बिल्कुल बॉटम से, ये जो इसका ये वाला बॉटम है ना, अगर ये कैंडल यहाँ तक आती है तो फिर मैं आपके लिए जाऊँगा। अगर ये वाली कैंडल यहाँ तक आती है यहाँ पे 30 सेकेंड्स होने से पहले पहले फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, क्योंकि होल नंबर है, यहाँ से ऑलरेडी रिजेक्शन मिली है। तो लेकिन टाइम हमारा तकरीबन निकल गया, यहाँ पे 30 सेकेंड हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कैंडल नहीं आई, तो इसलिए हम यहाँ पे अपनी ट्रेड है कोई नहीं ले रहे। ठीक है जी, मैं ज़रा बाकी पेयर में घूम के आता हूँ कि यार किसी और पेयर में अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ मैं अपनी ट्रेड के लिए जाऊँगा। सो यहाँ पे लेवल तो हमारा है मौजूद और एक रिवर्सल टाइप साइन भी था, लेकिन प्रॉपर रिवर्सल इसको मैं नहीं बोल सकता। और लेट्स सी, ओके, बहुत वीक कैंडल है, तो यहाँ पे फिलहाल मेरी ट्रेड यहाँ पे नहीं लगती यार, यहाँ पे रिवर्सल पे ट्रेड नहीं लगती, क्योंकि लास्ट जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी बहुत वीक है, और ये कैंडल भी जो है इतना परफेक्ट रिवर्सल मुझे पैटर्न नहीं मिला जिसके बिहाफ पे मैं ट्रेड लेता यहाँ पे। अच्छा जी, क्योंकि सम टाइम ना इस तरह से रिट्रेसमेंट कैंडल भी हो सकती है, दैट्स व्हाई ये देखो ये रिट्रेसमेंट कैंडल बनी है, अगेन मोमेंटम दोबारा ऊपर निकल गया है, ऐसे हो सकती है। अगर रिवर्सल जब तक प्रॉपर आपके पॉइंट पे ना मिले ना, तो हम इसको रिवर्सल कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये हमारा लेवल था एक, सो अच्छा जी, तो यहाँ पे कैंडल यहाँ से रिवर्स हुई है, तो लेकिन ट्रेड तो मेरी यहाँ पे फिलहाल नहीं प्लेस हो सकती। मैं ज़रा पेयर चेंज करता हूँ कि यार किसी और पेयर में अगर कि मुझे अच्छी एंट्री मिल जाती है तो वहाँ मैं कुछ ट्रेड का सोच लूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं ट्रेड तकरीबन निकल गई है मेरी ट्रेड यार यहाँ से, चलो बाकी पेयर में देख लेते हैं। सेम टाइम इस तरह होता है, आपको एंट्री एकदम से मिल जाती है, बाज़ अवकात आपको एंट्री लेते में बहुत टाइम लगता है, तो डिपेंड करता है कि यार मार्केट किस तरह चल रही है, आपको किस तरह के सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो फिर ही आप जो है अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ओके, ये एक सपोर्ट का पॉइंट था, यहाँ पे हमें एक हैमर कैंडल मिली है, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा कैंडल ऊपर जाए, गेन थोड़ा सा ऊपर जाए, मैं आपके लिए जाऊँगा यहाँ पे, ये लग गई मेरी ट्रेड, लग जा यार, बहुत लेट लग गई है ये, बहुत लेट ट्रेड लग गई है, अगर नीचे आए तो मैं एक और ट्रेड यहाँ पे ले लूँगा, यहाँ पे नहीं, अभी तक नहीं आई, क्योंकि ये ट्रेड मैंने ली यहाँ पर थी इस जगह पर, वो एकदम से कैंडल ऊपर निकल गया, तो मेरी ट्रेड यहाँ पे बहुत लेट प्लेस हो गई है। हैमर पैटर्न मिला था सपोर्ट लेवल पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपकी ट्रेड प्लेस की थी। सो स्पीड से इस मोस्टली इस तरह होता है, एक मिनट की ट्रेड ना बाद आपकी लेट प्लेस हो जाती है,
इसमें इसका कुछ नहीं आप कर सकते हो, इसका कोई हल, कोई सलूशन नहीं है कि लेट एंट्री का, क्योंकि सम टाइम हो जाता है ऐसे। 1 मिनट की जो एंट्री होती है वो इस तरह आप कंफर्मेशन का वेट करते करते, जैसे मैं यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट कर रहा था, या थोड़ा सा ऊपर जाए तो मैं ट्रेड प्लेस करूँ, इस तरह सम टाइम ट्रेड लेट प्लेस हो जाती है, सम टाइम आपको लॉस भी हो जाता है लेट प्लेस होने से। ओके, यहाँ पे ये मैं अपनी ट्रेड विन कर चुका हूँ, ये देख लो यार, ये ट्रेड मेरी विन हो चुकी है, क्योंकि हैमर पे ट्रेड ली थी, जो हमारा रिवर्सल साइन था कहाँ पे मिला, सपोर्ट लेवल पे मिला, ठीक है जी। तो दैट्स वाई हम अपनी ट्रेड यहाँ पे विन कर चुके हैं। ओके हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर हम अपनी नेक्स्ट ट्रेड प्लेस करें। अगर यहाँ पे मुझे एक अच्छा हैमर मिल जाता तो मेरी ट्रेड अच्छी बन सकती है। और एक इशू ये है कि कैंडल इससे नीचे क्लोज हुई है लेवल से, तो ओके हैमर तो मिल गया है, लेकिन अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल किस तरह से रिएक्ट करती है। अब यहाँ पे अच्छी एंट्री तब लग सकती है अगर ये कैंडल यहाँ तक आती है, तो मैं आपके लिए काफ़ी अच्छी लगती है मेरी एंट्री, क्योंकि हैमर ऑलरेडी नीचे बना है सपोर्ट पॉइंट से। ओके नहीं, ये मैं यहीं पे आपकी, यहाँ पे थोड़ी सी रिस्की ट्रेड भी आपकी होती है, हालांकि हैमर बना है, रिस्की ट्रेड इसलिए क्योंकि ये सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे है, तो यहाँ पे एक और ट्रेड ले लूँगा। ओ यार, यहाँ पे एक मिस्टेक मुझसे ये हो गई है कि अब जो इन जो नीचे वाली ट्रेड्स है ना, इसका जो मेरा रिजल्ट है वो अगली कैंडल पर आएगा, इस वाली का रिजल्ट मेरा इसी कैंडल पर आ जाएगा और इसका रिजल्ट मेरा अगली कैंडल पर आएगा, यहाँ पे ये देख लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रेड इसलिए नेक्स्ट प्लेस की थी कि यार ये कैंडल नीचे आ गई थी, थोड़ी सी रिस्की मैंने आपको बताया था, इसलिए भी होती है क्योंकि यहाँ पे लेवल से नीचे ही बनी है। ओके, ये ट्रेड मैं ऊपर वाली तो विन कर चुका हूँ, ये जो लेवल है इससे नीचे बनी है ये। अच्छा ये देखो, ये ट्रेड पहली वाली विन हो गई है मेरी, इस लेवल से नीचे हैमर मिला, तो ये थोड़ी सी रिस्की इसलिए ट्रेड होती है, लेकिन मेरे हिसाब से आगे कोई लेवल होगा नीचे जहाँ पे ये हैमर बना है, या आगे कोई ना कोई लेवल होगा लाजमी, ठीक है, कोई ना होगा। अच्छा फिलहाल आगे हम इसको देख लेते हैं, जो हमारी ये वाली ट्रेड है कि ये भी हमें अच्छे मार्जिन से विन दे रही है अभी तक, जो हमने नीचे 2 ट्रेड प्लेस की थी इस पे, क्योंकि हैमर रिवर्सल साइन है जैसा आपको पता भी है, लेकिन मोस्टली मैं रिकमेंड नहीं करता कि यार इस तरह से कोई लेवल से नीचे पैटर्न मिले तो आप फिर ट्रेड लो, पीछे कोई ना कोई होगा लेवल वगैरह जहाँ से ये इस पर मिल रही है इसको, लेकिन मोस्टली मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये देखो ये जो लेवल है ना, इस कैंडल की वीक ने इस लेवल से रिजेक्शन दी है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेकर के ऊपर निकल गई है, ये चीज़ है। तो क्योंकि मोस्टली है जब हैमर मिलता है तो आपको इस तरह से इतनी बड़ी जो है आपको विनिंग मिलती है, यहाँ पर देखो मैं अगली ट्रेड भी अपनी विन कर चुका हूँ, ठीक है जी। तो इस तरह से आप लोग अपनी जो है वो ट्रेड्स कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को एक लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।